24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है, जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश के हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था, 2-4 चीजें वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाई। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं दी। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएंगे, उसको भी किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी। लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उस नीति को भी ला करके जो है लगभग 71-72 खिलाड़ियों को नौकरियां दी और हाईएस्ट रैंक था डीएसपी लेवल का, तो उस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया। और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव है, बिहार की जनता भी उम्मीद करती है हम लोगों से कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश, पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं
नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करें। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त आने वाला, जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक एक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है, अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। तो मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी तक गैस लाइन पाइपलाइन जा रहा जो बिहार का भाग है, उसका पार्ट जोड़ दिए और बोल दिए कि पैकेज में आ गया। नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है। बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है अग्निवीर योजना से, ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी,
ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे, और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे, और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन्होंने लाया है इसको समाप्त करेंगे, और जैसे बहाली निकलती थी वैसी ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता दें फिर से, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे।